श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय की। मान लीजिए आपको एक अनचाह भय लग रहा है, मतलब कोई भय का कारण नहीं है लेकिन आपको भय लग रहा है, भय मतलब डर लग रहा है। जैसे आपको लगता है कि कोई मर गया है या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, नहीं तो ऐसा भी लगता है आपको कभी कभी कि मेरे बच्चे मैंने कहीं भेजे हैं, मेरे बच्चे कहीं गए हैं, हो सकता है उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की जो डर है, भय है, वो अगर आपको बना रहता है किसी, और उसको अनचाह भय बोलते हैं, कोई जरूरी कि वो भय आपका सत्य हो, कुछ तो भी आप मन में सोचते रहते हो, इस प्रकार का भय अगर आपको लग रहा है। साथ ही में आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बात बात पे किचकिच जो घर में होती है, कोई शुभ कार्य होता है वो नहीं टाइम पे हो पाता है, घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका शादी नहीं हो पा रही है, उनको सही से सेटल नहीं हो पा रहे, जॉब नहीं लग पा रही, इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आपके घर में हो रही है, इसका मतलब ये कि आपके जो पितर है वो आपसे रुष्ट है, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पितृदोष आपके घर में है या आपके ऊपर पितृदोष का साया है। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए या इस प्रकार की जो समस्या हैं उनसे निजात पाने के लिए आज एक मैं बहुत ही छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, बहुत सरल सा उपाय है। और उस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन करते हो, प्रदोष काल में करते हो या फिर सुबह करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस प्रकार के जो अनचाहे भय है, अनचाहा जो भय आपको लगा रहता है या फिर ये दूसरी मैंने प्रॉब्लम बताई है, ये अगर आपको लगातार परेशान कर रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय बहुत सरल है। ये उपाय कैसे किया जाता है इस और मैं जो उपाय आज बताने वाला हूँ वो उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में यानी कि शिव महापुराण में बताया है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं का जो कथा है उस कथा में से ही मैंने ये उपाय लिया है। उस उपाय को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकायदा करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए और कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है वो आपको पता चले, इसलिए मैं आपको इस उपाय को करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए जानते कैसे किया जाता है इस उपाय को। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि इसमें सामग्री क्या लगने वाली। तो सामग्री केवल एक ही चीज़ की लगने वाली, सामग्री लगेगी सिर्फ चंदन, इसके अलावा कोई सामग्री नहीं लगेगी। अब कैसे किया जाता है, इस उपाय को कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले मैं जलाधारी को हटा देता हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं शिवलिंग, आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाकर आपको सात बिंदी जो चंदन है, सात बिंदी लगाना, चंदन की सात बिंदी शिवलिंग के अलग अलग स्थानों पर आपको लगाना। ये छोटा सा उपाय है, बहुत आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर लगाना ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ बता के, ताकि आपको कोई गलती ना हो। पहली जो बिंदी है, पहली बिंदी आप लगाएंगे शिवलिंग के ऊपर, ये मैंने पहली बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगा दी। दूसरी बिंदी आप लगाएंगे जो यहाँ पर शंकर जी का जो राइट हैंड साइड है, यानी शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड है, वहाँ पर आपको मालूम है गणेश जी का स्थान होता है, तो गणेश जी के स्थान पर आप एक बिंदी लगाएंगे। ये दूसरी बिंदी गणेश जी के स्थान पे हो गई। तीसरी बिंदी आप गणेश जी के जस्ट सामने षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान होता है, आप अगली बिंदी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इस ये हो गई तीसरी बिंदी। चौथी बिंदी आपको मालूम है कि यहाँ पर किसका स्थान होता है, अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, तो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उसके ऊपर आप यहाँ पर लगाएंगे। ये चौथी बिंदी हो गई। पांचवी बिंदी जो है वो आप किस पे लगाएंगे, पांचवी बिंदी लगाएंगे आप ये जलाधारी के ऊपर, ठीक है। ये पांचवी बिंदी आपने लगा दी जलाधारी के ऊपर, ठीक है। ये पांचवी बिंदी होगी। इस छठी बिंदी लगाएंगे आप ये जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है उससे जस्ट पीछे, यहाँ पर उसके जस्ट पीछे आप जाएंगे, और यहाँ पर आपको मालूम है कि ये पूरा जो जगह होती है वो माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है, तो यहाँ पर कटी भाग पर यहाँ पर आप पीछे की तरफ लगा देंगे। ये आपकी छठी बिंदी होगी। और जो सातवीं बिंदी है वो लगाएंगे आप नंदी जी जो सामने बैठे रहते हैं, नंदी जी के दोनों जो सींग है उन दोनों सींग में ही बिंदी लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सातों बिंदी आप लगाएंगे। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पर आपको ये बिंदी लगाना है। पहली बिंदी आप लगाएंगे शिव जी के ऊपर, यानी कि शिवलिंग के ऊपर पहली बिंदी लगाएंगे। दूसरी बिंदी आप लगाएंगे गणेश जी के ऊपर, गणेश जी का जो स्थान होता है, ध्यान रखें गणेश शिवलिंग पे ही जो गणेश जी का स्थान है उस पे लगाना है। आजू बाजू कोई गणेश जी की मूर्ति बनी है या फोटो लगी वहाँ पर आपको नहीं लगाना है। लगाना कहाँ पर है, जो शिवलिंग के ऊपर ही गणेश जी की जगह होती है, गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको लगाना है। इसके बाद जो तीसरी बिंदी है वो षडानंद कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है वो यहाँ पर, यानी गणेश जी के जस्ट सामने, वहाँ पर लगाना है तीसरी बिंदी। चौथी बिंदी जो है वो माता अशोक सुंदरी जो है उनके स्थान पर लगाना। आपको मालूम है अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वो ये बीच वाला भाग होता है जहाँ मोटा मोटी एक लाइन होती है, उस जगह पर आपको लगाना। ये चौथी बिंदी हो गई। पांचवी बिंदी आपको कहाँ लगाना है, मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आप एक जलाधारी लटकी हुई मिलेगी, उस जलाधारी के ऊपर आपको पांचवी बिंदी लगा देना है, ठीक है।
छठी बिंदी जो है, छठी बिंदी आप इस अशोक सुंदरी जी के स्थान के जस्ट पीछे यानी शिवलिंग के आप पीछे जाएंगे और यहाँ पर आप लगा देंगे, जो कि माता पार्वती जी का हस्त कमल होता है उसके कटी भाग पर आप यहाँ पर लगा देंगे। और जो सातवीं बिंदी है, सातवीं बिंदी जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं सामने, नंदी भगवान के दोनों जो सींग है उन सींग के ऊपर अगली बिंदी लगा देंगे। इस तरह से आपको सात बिंदी लगाना है। अब मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए और मंदिर में आपके पास ये जलाधारी जो नहीं है, बहुत सारे मंदिरों में ऐसा होता है जहाँ जलाधारी नहीं होती है, तो अगर जलाधारी नहीं तो फिर क्या करें? तो अगर जलाधारी मंदिर में मौजूद नहीं है और आप ये उपाय करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? जो पांचवी बिंदी जहाँ पर लगाना था, यानी कि आपको यहाँ पर लगाना था पांचवी बिंदी जलाधारी के ऊपर, वहाँ ना लगा कर आप कहाँ लगा देंगे? शिव जी के ऊपर ही लगा देंगे, यानी शिवलिंग के ऊपर ही लगा देंगे, क्योंकि जलाधारी वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए आप कहाँ लगाएंगे? शिवलिंग के ऊपर ही लगाएंगे। लेकिन उस समय ध्यान रखेंगे जब आप शिवलिंग के ऊपर वो पांचवी बिंदी लगा रहे होंगे तब आपको शिव जी की जो पांचों लड़कियां हैं, है ना, उन लड़कियों के नाम लेना, आपको उन लड़कियों के मन में नाम लेते हुए वो बिंदी लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से उस उपाय को करना है। आपने देखा होगा मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। और इस उपाय को अगर आप करते हैं, आपको जो अनचाहा भय लगा रहता है, कुछ ना कुछ उल्टा होने का जो आपको खतरा रहता है, आपको ऐसा सिर्फ भय लगता होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको भय लगता है, उस भय से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपके घर में जो दिक्कत चल रही, चाहे वो किचकिच होती है बात बात पर, या कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, या आपके घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, किसी प्रकार की ये जो प्रॉब्लम है पितृदोष से संबंधित प्रॉब्लम है, यानी कुल मिला के ये पितृदोष का ही उपाय है जो मैंने आपको बताया, तो अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको जरूर छुटकारा मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।